एवरीवन, वेलकम बैक टू दी मिठू स्पेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ हेयर ट्रिम। और उसको मैं कैसे करती हूँ, अपने ओन हेयर का ही हेयर ट्रिम कैसे करना है घर पे बैठ के ही, ना ही आपको पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। और गाइस, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि हेयर ट्रिमिंग से हेयर बढ़ता है। देखो, हेयर ट्रिमिंग से हेयर बढ़ता नहीं है, क्योंकि हेयर जो बढ़ता है वो रूट के नरिशमेंट से बढ़ता है। और जो नीचे जो डैमेज हेयर है, जो दो मुहे बाल है, उसको क्या कि कट करने से क्या कि बाल हेल्दी होता है। तो बाल अगर हेल्दी होता है तो फिर उसका रूट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। तो एक तरीके से हेयर ट्रिमिंग से बाल बढ़ता भी है। अगर नीचे की तरफ से आपको ड्राई और डैमेज हेयर होगा, भले ही वो रूट से आपका बढ़ता हो, लेकिन वो दिखने में बहुत ज़्यादा फ्रीजी सा दिखने लगेगा। तो अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए तो हेयर ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे बाल कुछ हद तक बोल सकते हो कि हाँ हेल्दी रहते हैं। लेकिन हेयर ट्रिमिंग से बाल बढ़ना नहीं, क्योंकि बाल थोड़ी ना आपके टिप से बढ़ता है, स्कैल्प से बढ़ता है ना। तो चलिए, तो आज मैं करने वाली हूँ हेयर ट्रिमिंग, और मैंने अभी हेड बाथ कर लिया है। और कभी भी गाइस, हेयर ट्रिम करने का ना सही जो टाइम होता है, जैसे आप हेड बाथ करते हो, बाल धोते हो, उसके बाद ही हेयर ट्रिम करना सही वक्त होता है। क्योंकि बाल धुलने के बाद आपका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेट हो जाता है, और उस टाइम पे करने से इवेनली आपका जो ट्रिम किया हुआ हेयर है दिखता है, अच्छा भी दिखता है, एक ही साथ अच्छा स्ट्रेट हो जाता है। तो मैं एकदम जो मांग है बीच में से निकाल लूँगी, जिससे कि मेरा जो हेयर है इवेनली कटे करके, तो एकदम यहाँ तक पीछे तक और इसको डिवाइड करके दो भाग में कर लूँगी। डिवाइड करने के बाद मैं अच्छी तरह से कोम कर लूँगी, टैंगल फ्री कर लूँगी अपने हेयर को, जिससे कि एकदम पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाए मेरे हेयर्स, जिससे कि कट करने में बहुत इजी हो और इवनली कट हो जाए। मैं करने वाली हूँ स्ट्रेट हेयर कट। तो ये दोनों तरफ मैंने ले लिया है, कोम मैंने कर लिया, और हमें ज़रूरत पड़ेगा दो रबर बैंड की हेयर्स को टाई करने के लिए। तो पहला जो रबर बैंड यूज़ होगा वो एकदम चिन के नीचे, यहाँ पे मैं इस तरीके से टाई कर दूंगी टाइटली, जिससे कि हेयर बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए, जिससे कि एकदम स्ट्रेट कट हो मेरा। और इसको बाद में वापस से कोम करूँगी, जिससे कि एक दो हेयर भी इधर उधर ना जाए। फिर दूसरा वाला जो रबर बैंड है, मैं वहाँ पे टाई करूँगी जहाँ से मुझे हेयर कट करना है। तो मैं यहाँ पे लगभग 5 से 6 इंच हेयर कट करने वाली, तो इस तरीके से लेके सामने ले लियो। लगभग मैंने यहाँ पे 5 to 6 इंच हेयर लिया है, जिससे कि मुझे ट्रिम करना है। मैं हमेशा इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि बाल ऊपर नीचे हो चुका है और डैमेज भी हो चुका है नीचे की तरफ से। तो मैं सोची थोड़ा सा ज़्यादा कट कर दूँ, तो बस जहाँ पे मैंने रबर बैंड लगाया कुछ इस तरीके से पकड़ूँगी और इस तरीके से मैं कट कर लूँगी, आपको दिख रहा होगा। बस उसके बाद मैं इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेट वहाँ पे कट कर दूँगी, इधर से उधर से थोड़ा बहुत जो बाल बचा हुआ है उसको भी अच्छे से कट कर दूँगी, और देखिए इस तरीके से। और ये जो बचा हुआ है से इसको मैं अभी फेंक के आती हूँ, इतना मैंने कट किया है। और देखिए यहाँ पे एकदम स्ट्रेट कट हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो हेयर कट है किस तरीके से हुआ है करके, और बहुत सुंदर स्ट्रेट एक हेयर कट है जो आपको पार्लर में जाने के बाद मिलता है। सेम वही हेयर कट आपको ऐसे ही मिल गया है घर पे बैठे बिना पैसे खर्च किए। Thank you.
और सामने से जो मेरा फ्रंट हेयर कट है वो है लेयर हेयर कट, उसको भी मैंने खुद ही किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा गाइस। हेयर ट्रिम करना कितना इजी है और वो भी अपने ओन हेयर, इस तरीके से अपने ओन हेयर आप ट्रिम कर सकते हो और वो भी एकदम स्ट्रेट तरीके से, आपको पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में जो डिंग 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 वाली बेल बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरी कोई वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे गाइस। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।